हेलो एवरीवन, आई एम एमके एंड यू आर वाचिंग टेक ऑफिस। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप वाइपर फॉर एंड्रॉयड इफेक्ट्स यूज करना चाहते हो अपने रेडमी के नोट 4 के अंदर, वो भी मी वाई 12 के ऊपर, तो कैसे यूज करना है। क्योंकि अभी फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ एक मी वाई का पोर्ट रोम जो कि एंड्रॉयड 10 को सपोर्ट करता है, साथ साथ मी वाई 12 के साथ आता है। और अगर आप चाहते हो कि आपके एंटरटेनमेंट में कोई भी कमी ना हो, तो वाइपर फॉर एंड्रॉयड एक काफी अच्छा बेहतरीन सा सोर्स है जो कि आपको बेहतरीन से साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं अगर आप म्यूजिक लिसन करते हो या मीडिया ज्यादा यूज करते हो। तो आज की वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करेगा, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल देने वाला हूँ इस वाइपर फॉर एंड्रॉयड के बारे में कि आप किस तरीके से अपने रेडमी के नोट 4 के अंदर इसे एक्टिवेट कर सकते हो और इसका फुल बेनिफिट आप ले सकते हो। इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, कि जो भी आप पोर्ट रोम यूज कर रहे हो वो आपका रूटेड होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल रूटेड है। अगर आपका फोन रूटेड नहीं है तो आपको पहले रूट करना है। ऐसे जितने भी पोर्ट रोम आते हैं मैक्सिमम रूटेड ही होते हैं, तो आपको रूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नॉन रूटेड है तो आपको रूट कर लेना है। और ये टेस्टेड है एंड्रॉयड 10 के मी वाई 12 के ऊपर, ठीक है। तो एंड्रॉयड पाई के मी वाई 12 पे टेस्ट नहीं किया हुआ है, तो अगर आप यूजर्स हो तो आप चेक करके बता देना, कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं हेल्प प्रोवाइड करूंगा। बट ये 100% काम करेगा एंड्रॉयड 10 के मी वाई 12 के पोर्ट रोम के ऊपर, ठीक है। तो इसे हो जाने के बाद आपको कुछ फाइलों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिसे आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद मैजिक्स मैनेजर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रिपल लाइन पे टाइप करके मॉड्यूल पे आना है। यहाँ पे एक प्लस का साइन नजर आएगा जिसके ऊपर आपको टैप करना है। कुछ देर में आपका इंटरनल ओपन हो जाएगा, और मे बी इंटरनल शो ना हो तो इस ट्रिपल लाइन पे क्लिक करके आप शो इंटरनल कर सकते हो। उसका जो भी फाइल आपने डाउनलोड किया उसे आपको ब्राउज करना है। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है सिलेनक्स का परमिशन, जिसे सिलेक्ट करते ही आपको आ जाओ रिबूट का ऑप्शन देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे रिबूट नहीं करना है, सिंपली आपको बैक पे टैप करना है। उसके बाद आपको फिर से इस प्लस पे टैप करना है और फाइल को ब्राउज करना है। और यहाँ पे आपको ऑडियो मॉडिफिकेशन लाइब्रेरी दिखाई दे रहा है, इसे सिलेक्ट करना है। ये फ्लैश हो जाएगा, अगेन आपको रिबूट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो फिर से आपको बैक करना है। अब फिर से मॉड्यूल के प्लस पे टैप करना है और यहाँ पे जो ऑडियो कम्फर्टेबल पैच है 1.7.3 इसे सिलेक्ट करना है और कुछ कमांड को फॉलो अप करना है जिस तरीके से मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। सेम टू सेम, कोई भी डिफरेंट नहीं करना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो इसे सिलेक्ट करते ही कुछ कमांड यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे जो कि आपको ऑन स्क्रीन भी नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम के एनी की को प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेस करना है वॉल्यूम डाउन, अगेन फिर से डाउन, वंस अगेन डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। यहाँ पे ये कम्प्लीट अब फ्लैश हो गया। यहाँ पे आप कोई भी प्रोसेस अगर गलत करते हो, मिस्टेक करते हो, तो फ्लैश नहीं होगा, बीच में ही एरर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे कम्प्लीट हो जाने के बाद आपको अपने फोन को एक बार रिबूट कर देना है। फोन के ऑन होते ही एक बार आपको फिर से मैजिक्स को ओपन करना है और चेक करना है कि जो भी मॉड्यूल आपने फ्लैश किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है या फिर नहीं। तो हमारे यहाँ पे आप देखते हो तो 3 मॉड्यूल मैंने फ्लैश किया है, तीनों यहाँ पे शो हो रहा है। अब आपको होम स्क्रीन पे आना है और फिर से आपको अपने फाइल मैनेजर पे जाना है जहाँ पे आपने वाइपर फॉर एंड्रॉयड का एपीके डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये हमारा वाइपर फॉर एंड्रॉयड एपीके, जिसे आपको जो मैनुअली इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि ये एपीके है ना कि जिप फॉर्मेट है। इसके इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है, रूट परमिशन इसे देना है आपको, और कुछ ही सेकेंड में आपका फोन है जो ये रूट परमिशन को एक्सेस करके रिबूट हो जाएगा। तो फिर से ऑन होने का आपको वेट करना है। फोन के ऑन हो जाने के बाद अब फिर से एक बार आपको वाइपर के पास आना है और इसे ओपन करना है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरह का आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है जहाँ पे कुछ दिखाता है। अगर हम इस पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे ड्राइवर इंस्टॉल्ड यानी सपोर्टेबल दिखाई देते हैं। अगर मैं यहाँ पे फोन को यानी अपने फोन को डार्क मोड में इनेबल करता हूँ, डार्क मोड ऑन करने के बाद ये जो हमारा वाइपर फॉर एंड्रॉयड है ये भी पूरे डार्क मोड को सपोर्ट करता है और बिल्कुल ही कंफर्टेबल रूप से चेंज हो जाता है इसका लुक, और कलर्स वगैरह भी आपको नए देखने को मिलते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर हम यहाँ पे म्यूजिक वगैरह को लिसन करेंगे तो पूरा आपको इफेक्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप वाइपर फॉर एंड्रॉयड का फुल बेनिफिट अपने रेडमी के नोट 4 के मी वाई 12 के ऊपर है जो ले सकते हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप सो गाइस कि मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया है इस वाइपर फॉर एंड्रॉयड के बारे में कि किस तरीके से यूज करना है। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन या डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स का है जो यूज कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट के लिए दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।